हाइपर टेंशन क्या होता है, पहले हम उसको समझेंगे 3D वीडियो के माध्यम से, ये क्यों होता है। हाई ब्लड प्रेशर के क्या नुकसान है चलो समझते हैं। जब हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है या फिर हमारे ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ जाता है या फिर हमारे नसों की या ब्लड वेसल की व्यास कम हो जाती है तो हमारे हार्ट को ज्यादा बल लगाकर धड़कना पड़ता है जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ब्लड प्रेशर ऐसे ही बनी रहे तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्लड वेसल के अंदरूनी भाग को डैमेज पहुंच सकता है, इससे ब्लड वेसल में सूजन आ जाता है और इस सूजन वाली जगह पर सफेद रक्त कोशिकाएं जमा होने लगता है। बाद में ब्लड में मौजूद वसा और कोलेस्ट्रॉल भी इसमें जमा हो जाता है और एक परत बना लेता है जिस वजह से ब्लड वेसल का अंदरूनी व्यास और भी ज्यादा कम हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ये स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो इसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं। अगर हमारे हार्ट को रक्त पहुंचाने वाले कोरोनरी आर्टरीज को डैमेज पहुंचता है तो इसे हार्ट अटैक आ सकता है। सेम इसी तरह हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्षति पहुंच सकता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे होने वाला डिजीज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन अगर होगा तो भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर अटैक करेगा। एंजिना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा तो भी, हाइपरलिपिडीमिया, कंजेस्टिव और हार्ट फेलियर, ये सब जितने होंगे तो सीधा जाके हार्ट पर ही अटैक करते हैं। इससे हार्ट पर होने वाला डिजीज और इनको क्या होता है इसको आगे में समझता हूँ। पहले स्टडी हम करेंगे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, क्यों होता है, किसके कारण होता है, सब कुछ जानेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन एक कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर सिस्टमिक आर्टरी से इंक्रीज हो जाता है और ब्लड लेवल बढ़ जाता है, उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन के स्टेप जानेंगे, कितने स्टेप होते हैं, दो स्टेप होते हैं इसमें। पहले हम जानेंगे कैटेगरी कितने नॉर्मल कितना होता है, एविलेट कितना होता है। तो नॉर्मल हमारा 120/80 mmHg मिलीमीटर एंड मर्करी। हाइपर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक एज, ये नॉर्मल बीपी मेन चार्ट यहाँ पर बनाया गया है। अगर आपके 21 से 25 का एज है तो आपका सिस्टोलिक कितना होगा, डायस्टोलिक कितना होता है। अगर 36 से 30 है तो आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक कितना होता है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ये होता है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसे हाइपरटेंशन कहते हैं।